Praise the Lord. Hallelujah. God's people, shalom on you. May the Lord Jesus Christ bless you all and keep you safe. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज एक बार फिर से इस नए दिन और नई सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको और हमें दिया है कि हम उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के दिन में यहाँ जमा हो सकें ऑनलाइन संडे। पहले कि हम आज की आराधना सभा को शुरू करें, आज के संदेश में, आज की शिक्षा में जाएं, प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारी सही दिशा में अगुवाई करे। आदरणीय पिता प्रभु यीशु के नाम से हम आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आज के वचन के माध्यम से हमसे बातें करें। आज की आराधना आपको भाने के योग्य है। सुनने वाले, सुनाने वाले हर एक को प्रभु जी आप अपनी शांति दें और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के मार्गों में बढ़ने में सहायता करें, अगुवाई करें और प्रभु यीशु मसीह आपका अनुग्रह ऐसा करें हमारे ऊपर कि हम आज के वचन के माध्यम से प्रभु जी आपकी बात को समझ सकें और उन मार्गों पर चल सकें जो आपने हमारे तैयार किए हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता इस प्रार्थना को हम मानते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी का क्राइस्ट मुक्ति द्वार ऑनलाइन संडे सर्विस में स्वागत है। परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आज की सुबह के लिए, उसके अनुग्रह के लिए कि उसने हमें दिया कि हम इस टेक्नोलॉजी के द्वारा एक स्थान पर इकट्ठे हो सके। हम लोग जानते हैं कि हम लोग सब अपने अपने घरों में हैं, तो आइए हम लोग अपने ही घरों में प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करें। हम लोग उस पर फोकस करेंगे, हम अपना सारा ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएंगे और पवित्र आत्मा की मदद सहायता को मांगेंगे ताकि हम प्रभु यीशु मसीह को सच्चा आदर सच्ची आराधना दे सकें। Yeshu Raja Bulata Hai।
आओ जग के लोगों सब ही यीशु राजा बुलाता है, सारे जग के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को, नए पुराने अपने पराए दूर के पास के, कैसे भी कोई भी क्यों ना हो, सबको बुलाता है। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, ऐसा लिखा है पवित्र शास्त्र बाइबल में। परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की योजना तो यही है। हालात और परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो जाएं, भविष्यवाणियां पूरी होती रहें, फिर भी याद रखिएगा कि परमेश्वर की योजना यही है कि वो सबसे प्रेम करे। ये उसका अगाध्य प्रेम है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है कि गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम है। हमारा आज का थीम है विश्रांति के दिन, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग। विश्रांति के दिन आज का हमारा थीम है। हम जहां भी हैं अपने अपनी बाइबल में निकालें, देखें इस बात को, और परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको संभाल के रखे, और आज की शिक्षा आपके जीवन में एक नया आयाम ले आए, एक नया मोड़ ले आए, आपको एक कदम आगे पहुंचा सके। ये प्रयास है हमारा और ये हमारी प्रार्थनाएं भी हैं आपके लिए कि ये शिक्षा, ये वचन के माध्यम से आपको परमेश्वर के आत्मा में, परमेश्वर के मार्गों में, परमेश्वर की करीबी में और एक कदम आगे ले जाया जा सके। मेरे साथ निकालें आप प्रेरितों के काम की किताब, उसका 3:19 पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3:19। हमारा आज का थीम है विश्रांति के दिन, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग, टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग, नया हो जाना, नया बन जाना, हमारा आज का थीम है। मैं पढ़ रहा हूं पवित्र शास्त्र बाइबल से, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 3:19। आप सब लोग मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल में देख सकते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 3:19 लिखा है। पत्रस प्रेरित ने ये वाली बात कही थी, लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पत्रस प्रेरित का उपदेश था, ये सुसमाचार प्रचार था जो पत्रस प्रेरित ने उस वक्त में, जब पवित्र आत्मा उतरा चेलों पर, वो सामर्थ्य से भर गए और सुसमाचार का प्रचार करने लगे, और पत्रस ने परमेश्वर की आत्मा से भर करके इस वाली बात को बोला, ये इन्विटेशन फ्रॉम हेवन है, स्वर्ग से परमेश्वर की ओर से समस्त मानव जाति के लोगों के लिए एक आह्वान, एक बुलावा है। लिखा है कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। हमारे पापों का मिटाया जाना अति आवश्यक है हर एक व्यक्ति के लिए, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है कि उसके पाप मिटाए जाएं, इससे पहले कि उसके जीवन में विश्रांति के दिन आए, विश्राम के दिन आए, रिफ्रेशिंग के दिन आए, रिफ्रेश होने के दिन आए, ताजगी के दिन आए, फ्रेशनेस के दिन आए, तरावट के दिन आए, तरोताजगी के दिन आए, जिन दिनों की आप और मैं आशा कर रहे हैं, उससे पहले पश्चाताप का आना अति आवश्यक है। जिस प्रकार से बारिश के आने से पहले घनघोर घटा और बादलों का आना अति आवश्यक है, ठीक जस्ट वैसे ही। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे परमेश्वर के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए, विश्रांति के दिन आए परमेश्वर की प्रेजेंस में से, विश्रांति के दिन रिलीज किए जाएं हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसने अपने पापों से मन फिरा लिया है, पापों से प्रायश्चित कर लिया है, जो परमेश्वर की ओर ताक रहा है अपने जीवन में शांति के लिए, अपने जीवन में आनंद के लिए, अपने जीवन में आराम के लिए, अपने जीवन में विश्राम के लिए, अपने जीवन में खुशहाली और बहाली के लिए, अपने जीवन में तंदुरुस्ती के लिए, जो व्यक्ति परमेश्वर की ओर ताक रहा है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल ऐसा बताता है प्रियो, यहां पर लिखा है ऐसा, यहां ऐसा लिखा कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, ये समस्त मानव जाति के लोगों को एक इन्विटेशन है, एक आह्वान है कि लोग लौटें परमेश्वर के पास। जिस प्रकार का माहौल चल रहा है पिछले साल से आज तक, बहुत सारे लोग हैं जिनके जी में जी नहीं है, व्याकुलता है, बेचैनी है, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं उनके पास और उनका उत्तर कहीं नहीं है। कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनका सवाल, जिनका हल हमारे पास खुद भी नहीं है। इसीलिए परमेश्वर का जन, प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित संत पत्रस इस बात को कहते हैं, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ। यह निहायत जरूरी है।
दुनिया का हर एक व्यक्ति आज अपने परिवार में, अपने घर में, अपने जीवन में परमेश्वर को पुकार रहा है चैन और विश्राम के लिए, चैन और विश्राम के लिए, आनंद के लिए, छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, तसल्ली के लिए, शांति के लिए, मार्गदर्शन के लिए, मार्गदर्शन के लिए लोग परमेश्वर को पुकार रहे हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहीं से कोई भी दिलासा नहीं मिल रहा है, कहीं से कोई भी अच्छी खबर सुनने को नहीं मिल रही। बहुत सारे लोग जो अभी भी इस बीमारी की चपेट में नहीं आए हैं वो भी दुखी हैं, वो इस बात से दुखी हैं क्योंकि उनके प्रियजन, उनके रिश्ते नातेदार, उनके सगे संबंधी, उनके मित्र, उनके पड़ोसी, उनके देश के लोग इसकी चपेट में आए हुए हैं। जो लोग इसकी चपेट में आ गए हैं वो इस प्रकार से दुखी हैं, और जो इसकी चपेट में नहीं आए वो इस बात के लिए दुखी हैं क्योंकि उनके लोग इससे सफर कर रहे हैं। हर व्यक्ति जो इसकी चपेट में आया वो भी उत्तर पाने की तलाश में है, और जो नहीं आया है वो भी इसका उत्तर पाने की तलाश में है कि क्यों ऐसा, ऐसा क्यों। यह साफ शब्दों में लिखा है, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। मैं ये कहना चाहता हूं कि संत प्रेरित पत्रस इस बात को कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति अपने पापों से मन फिराए, और मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूं कि इस पूरी पीढ़ी में, इस पूरी पीढ़ी में जब तक इसका अंत नहीं हो जाएगा, परमेश्वर बार बार लोगों को मन फिराव का अवसर देता रहेगा ताकि दुनिया के लोगों के जीवनों में चैन, विश्राम और शांति आ जाए, विश्राम आ जाए। इस पूरी पीढ़ी में, इस पूरे युग में परमेश्वर ऐसा करेगा, अंत तक ऐसा करेगा परमेश्वर, क्योंकि यह उसका वायदा है, क्योंकि यह उसका वायदा है, वो ऐसा करेगा। यह साफ शब्दों में लिखा कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। जब तक दुनिया का अंत नहीं होगा, जब तक दुनिया चलती रहेगी, जब तक दुनिया जीवित रहेगी, जब तक ये बसी रहेगी, जब तक इसमें जीवित मनुष्य प्राणी चले फिरते रहेंगे, तब तक परमेश्वर विश्रांति का आह्वान, विश्रांति का इन्विटेशन लोगों को देता रहेगा और कहता रहेगा कि लौट आओ हे मनुष्यों, लौट आओ हे आदमियों, लौट आओ परमेश्वर के पास, लौट आओ, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है कि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। इससे पहले कि विश्रांति के दिन आए, हमें से बहुत सारे लोग विश्राम ढूंढ रहे हैं अपने जीवनों में, अपने घरों में, अपने रोजगार में, अपने शरीर में, अपने प्राण में, अपनी आत्मा में, अपने विवेक में, अपनी बातों में, हम शांति की, विश्रांति की तलाश में हैं। लेकिन यह विश्रांति तब तक नहीं आएगी किसी व्यक्ति के अंदर जब तक वो अपने पापों से मन ना फिरा ले। विश्रांति देने वाला परमेश्वर है, और परमेश्वर का ये प्रोसेस है, ये परमेश्वर की तरफ से एक आइडिया है, परमेश्वर की तरफ से हमारे लिए एक उपाय है विश्रांति पाने का। लोगों के जी में जी नहीं है, जी में जी नहीं है, प्राण विचलित हो गए हैं, मन बिल्कुल विचलित हो चुका है। लेकिन पवित्र शास्त्र बाइबल में परमेश्वर का जन, प्रभु यीशु मसीह का सेवक प्रेरित पत्रस इस बात को कहता है, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा से उबारे जाकर के पूरे जगत के लोगों को, पूरे संसार को वो कह रहा है कि इसलिए अगर कोई विश्रांति चाहता है तो उसको मन फिराने की आवश्यकता है, अपने पापों से मन फिराए ताकि उसके पाप मिटाए जाएं। जब तक पाप मिटाए नहीं जाएंगे, जब तक पाप सामने रहेंगे परमेश्वर के, तब तक तो परमेश्वर की ओर से आपके लिए, परमेश्वर की प्रेजेंस में से हमारे लिए कोई विश्रांति नहीं आएगी, क्योंकि अभी भी परमेश्वर के सामने हमारे पाप ऐसे के ऐसे ही हैं। यशाया 59 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर हमें से किसी से दूर नहीं है, हमारी आवाज उस तक इसलिए नहीं पहुंच रही क्योंकि हमारे पापों ने परमेश्वर के मुख को हमसे छिपा लिया है। ठीक वैसे ही जैसे काली घटाएं, बादल या घोर गुप्त गहन अंधेरा या गहरा कोहरा, फोग सूरज को छिपा लेता है, ठीक वैसे ही परमेश्वर का मुंह हमारे पापों की वजह से ऐसा छिप गया है कि अब हमारी आवाज परमेश्वर तक नहीं पहुंचती है। वजह, हमारे पास विश्रांति इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारे पाप अभी भी परमेश्वर के सामने हैं। दुनिया का कोई भी व्यक्ति, आज भी अगर कोई व्यक्ति जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है परमेश्वर की विश्रांति को, उसे अपने पापों से मन फिराव की आवश्यकता है, पापों से पश्चाताप करने की जरूरत है, क्योंकि प्रेरित पत्रस कहते हैं कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए, विश्रांति के दिन आ जाए। विश्रांति, रिफ्रेशमेंट आपको तब तक नहीं मिलेगा, आप तब तक रिफ्रेश नहीं हो सकते हैं, तब तक आप और हम परमेश्वर से फिर से तरोताजा नहीं हो सकते हैं जब तक हमारे पाप मिटाए नहीं जाएंगे। भजन संहिता 32 अध्याय मुझे हमेशा याद रहता है, और आप भी याद रखिएगा और पढ़ लीजिएगा आप उसे, साम 32 को ऐसा लिखा है, उसमें भजनकार ये कहता है कि जब तक मैं अपने पाप को छिपाए रहा तब तक शांति
मुझ में आई ही नहीं। कह रहा कि जब तक मैं अपने पाप को छिपाए रहा तब तक शांति मुझ में आई ही नहीं। कहता है कि जब मैंने अपने पाप को स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया और मेरा पाप परमेश्वर के सामने मैंने पहुंचा दिया, परमेश्वर ने मुझे माफ किया, तब मुझ में तरावट आई। कह रहा जब तक मैंने पाप को छिपा रखा था, कह रहा कि मेरी तरावट धूप काल की सी झुर्राहट बन गई थी। चेहरे से लोगों के चाम खत्म हो जाता है पाप के कारण, चमक खत्म हो जाती है, खुशी घर में से गायब हो जाती है, सफलता संपन्नता लोगों के घरों से चली जाती है बिकॉज ऑफ सिन। मैंने नहीं कही ये वाली बात, मैं कोई नहीं होता किसी को दोष देने वाला, मैं तो आपको परमेश्वर की बात बता रहा हूं। यहां साफ शब्दों में लिखा कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि विश्रांति के दिन आए और परमेश्वर इस पूरी पीढ़ी में परमेश्वर ऐसा करता रहेगा। मत्ती की किताब 11 अध्याय के 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने यह वाली बात कही है कि हे परिश्रम करने वालों और बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह आह्वान देते हैं, कॉल करते हैं पूरे संसार के लोगों को कि लौट आओ मेरे पास, अपने पापों का अंगीकार करो, अपने पापों से मन फिराओ, प्रायश्चित करो, पश्चाताप करो, ताकि तुम्हारे जीवनों में, तुम्हारे रोजगार में, तुम्हारे बिजनेस में, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारे शरीर में, प्राण में, आत्मा में, विचार में, भावनाओं में, इच्छाओं में, कल्पनाओं में, तुम्हारे कामों में परमेश्वर की ओर से विश्रांति आ जाए, रिफ्रेशनेस आ जाए, फ्रेशमेंट आ जाए, बिल्कुल फ्रेश हो जाए, तरोताजा हो जाए, फिर से बुस्टअप हो जाए, परमेश्वर की ओर से हम फिर से बल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम तब तक परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं पा सकते जब तक हमारे सिन, हमारे पाप परमेश्वर की नजर में बने हुए। ये मैंने नहीं कही बात, पवित्र शास्त्र बाइबल इस बात को बताता है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 11:28 में कहा कि परिश्रम करने वाले, बोझ के नीचे दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब तक जगत का अंत नहीं होगा, जब तक परमेश्वर के पुत्र का, मनुष्य के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं होता, तब तक परमेश्वर लगातार बार बार परमेश्वर विश्रांति का आह्वान करता रहेगा और जगत के लोगों के पास ये पापों से मन फिराओ का अवसर पहुंचता रहेगा, ताकि लोग अपने पापों से मन फिराएं और विश्राम पाएं इस पृथ्वी पर भी और परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर ने यहां भी लोगों के लिए विश्राम को तैयार किया है और परमेश्वर ने स्वर्ग में भी विश्राम के दिन की तैयारी कर रखी है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसे लिखा है कि परमेश्वर ने 6 दिन में काम किया और 7वें दिन आराम किया। परमेश्वर थक गया था इसलिए आराम नहीं किया उसने, उसने विश्राम हमारे लिए बनाया था। वो जानता था कि मनुष्य कंटिन्यू काम नहीं कर सकता है, लगातार काम नहीं कर सकता है, और परमेश्वर की ये विधि और विधान था, ये परमेश्वर का नियम था, और लोग परमेश्वर के विश्राम को भी बेच के खा गए। मंडे टू सैटरडे काम करते हैं, संडे फिर काम पे चले जाते हैं। हमने अपना विश्राम खुद खो रखा है। चैन और विश्राम है ही नहीं जिंदगी में, क्योंकि ना तो हमने परमेश्वर के विधि विधान का पालन किया, उसके नियमों का पालन किया, और ना ही हम परमेश्वर के आह्वान को सही उत्तर दे रहे हैं। आज जितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की ओर से अपने जीवन में विश्रांति चाहता है, शांति चाहता है, रिलैक्स चाहता है, प्रभु कंफर्ट चाहिए, बहुत हो गई बेचैनी, घबराहट बहुत हो गई, मारामारी बहुत हो गई, भागा दौड़ी, तो मैं, मेरे भाई बहन, मेरे प्रियजन, मैं आपको सलाह देना चाहता हूं, मेरे बच्चे, पापों का प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, ताकि आपके जीवन में, आपके सारे कामों में विश्रांति आ जाए। बिना इसके तो विश्रांति नहीं आएगी, आ ही नहीं सकती है, क्योंकि यह परमेश्वर का प्रोसेस है, यह परमेश्वर का तरीका है आपको विश्रांति पहुंचाने का। परमेश्वर के सन्मुख से आपके मेरे पास विश्रांति के दिन आएंगे, परमेश्वर के घर से, परमेश्वर की उपस्थिति से, उसकी महान उपस्थिति में से, उसकी शांति के महान भंडार में से, उसके आनंद के महान भंडार में से, उसके आनंद के महान भंडार में से आपके लिए विश्रांति रिलीज की जाएगी, तब जब हम अपने पापों का अंगीकार कर लेंगे, प्रायश्चित कर लेंगे और पापों से मन फेर लेंगे, तब आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। आप प्रार्थना करते रहिए, बिलखते रहिए, तड़पते रहिए, रोते रहिए, परमेश्वर को पुकारते रहिए। और कभी कभी तो ऐसा अवसर आता है कि हम परमेश्वर को भी कोसने लगते हैं। हाँ, हम इसलिए कोसने लगते हैं क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं के ठीक उत्तर नहीं आ रहे, हमारे मन मुताबिक उत्तर नहीं आ रहे, लेकिन हम इस बात को भूल गए कि मुझे पापों से मन फिराव की आवश्यकता है, मुझे प्रायश्चित करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर की ओर से विश्रांति के दिन आए। अगर आज विश्राम नहीं है तो ये परमेश्वर की ओर से ही नहीं है। आज अगर बेचैनी, घबराहट है, तो ये मान के चलिए कि इसीलिए है क्योंकि मेरे मन में अभी भी प्रायश्चित नहीं आया है, विश्रांति नहीं आई है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर इस पूरी पीढ़ी में, इस पूरे युग में, जब तक इसका अंत नहीं हो जाता, बार बार विश्रांति का आह्वान करता रहेगा, लोगों के जीवन में बार बार विश्रांति भेजता रहेगा, बार बार ये पश्चाताप का, प्रायश्चित का अवसर परमेश्वर लोगों को देता ही रहेगा, क्योंकि ये निश्चित है करना ऐसा। क्योंकि मत्ती की किताब 1 अध्याय के 21 पद में ऐसा लिखा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के साथ कि तू उसका नाम यीशु रखना,
क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। वो अपने जगत के लोगों का, अपने टाइम के लोगों, ये यीशु मसीह का समय चल रहा है। यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर के प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक, दिस इज द टाइम ऑफ क्राइस्ट। ये प्रभु यीशु मसीह का समय है। जब तक दुनिया का अंत नहीं हो जाता, प्रभु यीशु मसीह का समय चलता रहेगा। और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के विषय में अपने स्वर्गदूत के द्वारा मरियम को यही कहलवाया था कि तू एक बेटा पैदा करेगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु मसीह के नाम का मतलब ही यही है, पापों से मुआफी, पापों से छुटकारा, पापों से छुटकारा, पापों से आजादी, पापों से चंगाई। और यीशु मसीह, देख लीजिए आप अपनी बाइबल में ऐसे ही लिखा है, और उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यीशु का मतलब है उद्धार करता पापों से। और जब यीशु मसीह किसी के पाप क्षमा करता है तो परमेश्वर की ओर से उस व्यक्ति के अंदर विश्रांति के दिन आ जाते हैं, चैन के, विश्राम के दिन आते हैं, बेचैनी, घबराहट चली जाती है, डर चला जाता है, चौंक कर जग जाना चला जाता है, नींद गायब हो गई, ये वाली बातें चली जाती हैं। फिर वो आदमी आराम से सोता है और बढ़िया तरीके से सोता है। इसलिए सोता है क्योंकि उसके जीवन में परमेश्वर की ओर से चैन और विश्रांति के दिन आ गए हैं, आ गए हैं। इस संसार में कहीं विश्राम नहीं है, परमेश्वर के पास विश्राम है और परमेश्वर निश्चय आपको विश्राम देगा। और देखिए मजे की बात है, ये वाली बात जो पतरस बता रहे हैं 3:19 में, पता किनको बता रहे हैं? ये उन लोगों को विश्राम देने की बात बता रहे हैं, उनके जीवन में चैन, विश्राम और शांति लाने की बात कह रहे हैं प्रेरित पतरस, जिन्होंने बस अभी थोड़े दिन पहले तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला यहूदियों ने। बुक ऑफ एक्ट्स में प्रेरितों के काम की किताब में केवल 40 दिन का ही तो अंतर था पवित्र आत्मा के उतरने का, प्रभु यीशु मसीह के स्वर उठा लिए जाने के बाद केवल यही, और 50वें दिन पेंतेकोस्त था और पवित्र आत्मा उतर आया, केवल इतने दिनों में। 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर घूमते रहे और 50 दिन चेलों ने प्रार्थना की, 50वें दिन पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उतर आया, 90 दिन। केवल 90 दिनों के अंदर ही अंदर परमेश्वर ने उन लोगों को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ा के मार डाला यीशु मसीह को, उनके पास भी इनविटेशन भेज दिया कि तुम्हारे जीवन में चैन और विश्राम लाया जा सकता है अगर तुम प्रायश्चित करो और पश्चाताप करो। मेरे साथ देखिए प्रेरितों काम की किताब 2 अध्याय उसका 36 पर, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 2:36। कितनी बड़ी बात है, अभी जो फ्रेश सिनर्स हैं, परमेश्वर के गुनहगार हैं, जिन्होंने उसके इकलौते पुत्र को, निर्दोष पुत्र को क्रूस पर चढ़ा के मार डाला, उनको भी परमेश्वर ने एक आह्वान दे दिया। प्रेरितों के काम की किताब उसका 2:36 पर लिखा है, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाकर मार डाला, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया, प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। सब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, अब हम क्या करें? हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ ताकि परमेश्वर की ओर से तुम्हारे लिए क्षमा, शांति और विश्राम आ जाए, वरना तुम्हारी जिंदगी में बेचैनी, घबराहट, भटकना, तड़पना, बिलकना, ये सारी चीजें कायम रहेंगी तब तक जब तक तुम अपने पापों से प्रायश्चित ना कर लो, जब तक तुम अपने पापों से पश्चाताप ना कर लो। समझ रहे हैं आप बात को? कितनी बड़ी बात है कि आज ही अभी थोड़े दिन पहले जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला था, उन लोगों के लिए भी परमेश्वर का हृदय देखिए, क्योंकि परमेश्वर का वायदा है वो अपने पुत्र के नाम के मुताबिक इस पूरे युग को, इस पूरे जनरेशन को, जब तक इसका अंत नहीं होगा तब तक परमेश्वर सबके पास पापों से मन फिराव का अवसर भेजता रहेगा। और परमेश्वर चाहता है कि कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए, कोई नाश ना हो बल्कि सब अनंत जीवन पाए, सब अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की ये योजना है, परमेश्वर का ये विचार है, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था इस बात को कि प्रभु यीशु मसीह के नाम का मतलब ही है जगत का उद्धार करता। और परमेश्वर इस पूरे युग में ऐसा करता रहेगा, पूरे युग में ऐसा करता रहेगा। ये बुलावा उनके लिए भी है, आज उनके लिए भी है जिन्होंने अभी अभी पाप किया है, जो अभी अभी फ्रेश सीनर्स हैं, चाहे वो बिलीवर्स हों या नॉन बिलीवर्स हों, चाहे वो नया जन्म पाए हुए हों या ना पाए हुए, आज अभी और इसी वक्त हर एक पापी के लिए ये आह्वान है कि मन फिराओ और लौट आओ, मन फिराओ और लौट आओ। लिखा है ऐसा
परेतो काम की किताब 3 अध्याय उसका 19 पद, इसीलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाए जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन आए। ये उन लोगों से कही जा रही थी बात, उनके उनके परिवार से, उनके कुटुंब से, उनके खानदान से कही जा रही थी, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपनी नफरत के कारण, अपनी कठोरता के कारण, अपनी कड़वाहट के कारण, अपनी झूठी धार्मिकता के कारण क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला था। उन लोगों से भी कहा जा रहा है, यदि आज हम में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने अपने पापों के कारण से प्रभु यीशु मसीह को हर्ट किया हो, परमेश्वर का अपमान किया हो, किसी प्रकार से हमने परमेश्वर को दुख पहुंचाया हो, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को शोकित किया हो, तो आज मेरे प्रिय आपके पास अवसर है इसी वक्त अपने पाप से प्रायश्चित करने का और लौट आने का, प्रायश्चित करने का और लौट आने का। यशायाह की किताब उसके 30 अध्याय के 15 पद में ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है कि लौट आओ क्योंकि लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। आपकी और मेरी भलाई कहीं नहीं है। आज अगर आप में से, हमें से कोई आज के पैंडेमिक युग में, इस पैंडेमिक टाइम में यदि कोई शांति चाहता है, विश्राम चाहता है, तो मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, गो टू द फादर, पिता के पास जाइए, पापों का प्रायश्चित कीजिए, वो आपको इमीडिएटली उसी वक्त आपको क्षमा करेगा और आपके हृदय को विश्रांति से, विश्राम से भर देगा, शांति से भर देगा, आपके अंदर ताजगी आ जाएगी, आपकी खूबसूरती फिर से वापस लौट आएगी, आपके चेहरे की रौनक लौट आएगी, आपके चेहरे की तरावट लौट आएगी, आपके जीवन की हरियाली वापस लौट आएगी। ये तब तक नहीं आएगी जब तक पाप छिपाया जाएगा। जितना देर तक पाप को छिपा के रखेंगे, उतना देर तक ये हमारे आत्मिक और भौतिक दोनों जीवनों पर प्रभाव डालेगा, दोनों को खराब करता रहेगा, हमारे आत्मिक जीवन को भी खराब करेगा, हमारे भौतिक जीवन को भी खराब करेगा। ये एक बहुत ही बड़ा इनविटेशन है और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ दिन पहले ही, तो कुछ ही दिन पहले प्रभु यीशु मसीह के, प्रभु यीशु मसीह के को क्रूस पर चढ़ा करके मार डाला बस, और उन्हीं को इन्विटेशन दे दिया कि लौट आओ, लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, और परमेश्वर के सन्मुख से, परमेश्वर की उपस्थिति में से, परमेश्वर के भवन से, उसके घर से, उसके सिंहासन की ओर से आपके लिए विश्रांति भेजी जा सके, विश्रांति जिसकी आप और हम तलाश कर रहे हैं इस समय पर, अपने लिए भी और अपने देश के लोगों के लिए भी, अपने लिए भी, अपने रिश्ते नातेदारों के लिए भी, अपने सगे संबंधियों के लिए भी, अपने भाई बहनों के लिए भी। विश्राम अगर चाहिए तो हम में से हर एक को, हम में से हर एक को प्रायश्चित करने की, पश्चाताप करने की, अपने पापों का अंगीकार करने की आवश्यकता है, ताकि विश्रांति के दिन लौट आए। और हर एक व्यक्ति के लिए है ये वाला अवसर, जो परमेश्वर से दूर है, जो आज भी परमेश्वर से दूर हैं, उनमें से हर एक के लिए यही अवसर है कि वे परमेश्वर के पास लौट आए, लौट आए, क्योंकि लौट आने और शांत रहने में हमारी भलाई है। मेरे साथ देखिए आप परेतों का काम उसका 2 अध्याय 36 पद, 2 अध्याय 36 पद, अभी हमने देखा था जो, अतः अब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से, आप भी मैं भी और हमें से हर एक दुनिया का व्यक्ति निश्चित रूप से इस बात को जान ले, हम निश्चय कर ले इस बात का, ये हमें, हमें निश्चय हो जाना चाहिए कि हमारे पास कोई दूसरा उपाय नहीं है, कोई दूसरा उपाय नहीं है हमारे पास। अब अतः अब दुनिया के सारे घराने इस बात को ऐसे पढ़ लिया जाए, संसार के सारे लोग इस बात को निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को, जिसे संसार ने तिरस्कार कर दिया, ठुकरा दिया, उसी को प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया है। अब वही यीशु मसीह हम में से हर एक के लिए जीवित आशा है, अब हम में से प्रभु यीशु मसीह हर एक के लिए जीवित आशा है। और ये वाली बात जगत के अंत तक चलती रहेगी, जगत के अंत तक, जब तक परमेश्वर का पुत्र का आगमन नहीं होता, तब तक ये आह्वान चलता रहेगा पूरी दुनिया में कि लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए, क्योंकि अंत के दिन तक भी परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता कि कोई भी पापी अपने पाप में फंसा हुआ मर जाए। परमेश्वर ये चाहता है कि लोग बचाए जाए, और ऐसा तो चलता रहेगा, ये चलता ही रहेगा, ये चलता रहेगा, और ये भी चलता रहेगा कि परमेश्वर विश्रांति देना चाहता है। मेरे साथ देखिए आप 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 3 पर,
सेकंड थिसलोनियंस चैप्टर 2 वर्स 3। प्रेरित पौलुस कलीसिया से क्या कहते हैं 2:3 में कि किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना, किसी भी प्रकार से किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वह दिन नहीं आएगा, तब तक वह दिन नहीं आएगा परमेश्वर के पुत्र का आगमन का जब तक धर्म का त्याग ना हो ले। लोग इनकार कर देंगे, मसीह भी इनकार कर देंगे, मसीह का, मसीहत का भी इनकार किया जाएगा, बिलीवर्स भी यीशु मसीह का इनकार कर देंगे, और तब तक जब तक ये इनकार करने वाली स्थिति पैदा ना हो जाए, धर्म का परित्याग ना हो ले, तब तक परमेश्वर के पुत्र का आना नहीं होगा। और जब इतने घोर पाप किए जाएंगे कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का इनकार किया जाएगा, तब भी ये वाली बात सुचारू रूप से लागू रहेगी कि हे लोगों लौट आओ, तुम में से हर एक अपने पापों से मन फिराए और लौट आए कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि परमेश्वर के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। स्थिति देखिए आप, लास्ट तक ये भी चलेगा और आखिरी तक वो भी चलता रहेगा कि लौट आओ कि विश्रांति के दिन आ जाए। प्रेरित पौलुस क्या कहते हैं कि किसी रीति से धोखा ना खाना। इसका अर्थ ये नहीं है कि इस आह्वान के बाद अब पाप रुक जाएगा, इस आह्वान के बाद लोग पाप करना बंद कर देंगे। इस आह्वान को सुनकर के, इस बुलावे को सुनकर के जितने लोग अपने पापों से मन फिराएंगे, जितने लोग पापों को छोड़ करके परमेश्वर के पास आ जाएंगे, उनके जीवन में विश्रांति आ जाएगी। और साथ ही साथ ये भी चलता रहेगा, लिखा कि किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। वो दिन नहीं आएगा, परमेश्वर के पुत्र का आना तब तक हो ही नहीं सकता, और जब तक परमेश्वर के पुत्र का आना नहीं होगा, पाप चाहे अपनी कितनी भी चरम सीमा पर हो, अधर्म अपराध गुनाह रोग बीमारी शोक संताप कितने ही चरम सीमा पर क्यों ना हो, लोगों को ये आह्वान उन दिनों में भी, उस भीड़ में भी, उस विचलितता के, उन घबराहट के, बेचैनी के, डर के दिनों में भी लोगों के पास ये इन्विटेशन लगातार बना रहेगा, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाए। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये विश्रांति के दिनों को बचा के रखा जाए, पापों से मन फिराओ के दिन को परमेश्वर सेफ करके रख ले, बिल्कुल नहीं रख सकता। परमेश्वर बचाएगा ही नहीं, इसको तो उसने रिलीज कर दिया है रहती दुनिया तक। ये वाली बात हमेशा कायम रहेगी कि इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे परमेश्वर के सन्मुख से विश्रांति के दिन आ जाएं। परमेश्वर की विश्रांति की आवश्यकता है आपको। देश आपको विश्रांति नहीं देगा, सरकार आपको विश्रांति नहीं देगी, आपके रिश्ते नातेदार आपको विश्रांति नहीं दे सकते हैं, आपके लोग आपके जीवन में नई ताजगी नहीं ला सकते हैं साहब, कोई आपको फ्रेश नहीं कर सकता है, फिर से आपको बूस्टअप नहीं कर सकता, फिर से आपको बलिष्ठ नहीं कर सकता है, फिर से आपको सीधा खड़ा करके स्ट्रेट नहीं चला सकता है परमेश्वर के अलावा। ओनली गॉड कैन डू एवरीथिंग। परमेश्वर आपके लिए सब कुछ कर सकता है, आप किसी से उम्मीद मत कीजिए, आप किसी से उम्मीद मत करना, कोई नहीं कर सकता आपके जीवन में ये काम कि आपको फिर से नया बना दे, तरोताजा बना दे, फिर से आपकी जिंदगी को वापस उसी लेवल पे ले आए जहां से आप छूट गए थे पीछे। ओनली गॉड कैन डू। परमेश्वर आपके लिए ये करेगा, परमेश्वर केवल आपके लिए करेगा, वो भी एक शर्त पर, मन फिराएं, लौट आए कि हमारे पाप मिटाए जाएं, और उसकी वजह से परमेश्वर के सन्मुख से हमारे लिए विश्रांति के दिन आ जाए। मेरे साथ देखिए आप 2 तीमुथियुस 3:1 थिसलोनियंस के बाद ही आता है 2 तीमुथियुस 3:1 2 तीमुथी 3:1 अंतिम दिनों में अधर्म, इसका हेडिंग है। लिखा है पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे जिसमें लोग ये कहेंगे कि अब मेरा दिल इसमें नहीं लगता, लोग कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि अब मेरा मन यहां नहीं लगता है। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लेकिन आप इस बात को याद रखिए कि आपके लिए विश्रांति का दिन तैयार है। गॉड हैज रेस्ट फॉर यू, परमेश्वर के पास आपके लिए विश्राम है। लेकिन एक शर्त पर, हम अपने पापों से मन फिराएं, प्राश्चित करें और लौट आए ताकि हमारे पाप मिटाए जाएं, और इसके कारण से परमेश्वर के सन्मुख से विश्रांति के दिन आ जाएं। प्रेरित
पॉलुस कहते हैं, पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। आने दीजिए कठिन समय को भी, कठिन समय भी आएंगे और परमेश्वर की ओर से लोगों के लिए विश्रांति का प्रचार भी होता रहेगा कि पापों से मन फिराओ ताकि विश्रांति के दिन आ जाएं। यह बहुत जरूरी है इन दिनों में, विश्रांति का प्रचार करने वाले, विश्रांति का प्रचार करने वाले, और इसकी इसलिए जरूरत है और परमेश्वर ऐसा जरूर करेगा। मेरे साथ देखिए आप प्रेरितों के काम की किताब उसका 26 अध्याय 8 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 8, बहुत ही बढ़िया पद है, बहुत ही अच्छा लिखा है। 26 वर्स 18, वर्स 18, प्रेरितों के काम की किताब 26 अध्याय 18 पद, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 26 वर्स 18, यहां प्रेरित पौलुस के विषय में ये वाली बात कही गई है। लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें। लोगों में जाके विश्राम का प्रचार करो कि अपने पापों से मन फिराओ ताकि तुम्हारे जीवन में परमेश्वर की ओर से चैन, विश्राम और शांति आ जाए। प्रेरित पौलुस का चुनाव इसीलिए हुआ था और कलीसिया का चुनाव भी इसीलिए हुआ है कि कलीसिया जाए और जाकर के लोगों को बताए पाप में मरते हुए संसार को, पाप में गलते हुए संसार को बताए, पाप में रोते बिलखते संसार को बताए कि तुम्हारे समस्याओं का समाधान क्या है। गॉस्पल, गॉस्पल ऑफ क्राइस्ट, सुसमाचार, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, प्रभु यीशु के नाम से पापों से मन फिराओ का सुसमाचार ही हर एक व्यक्ति को जीवन देता है। यहां साफ शब्दों में लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ही जगत की ज्योति है। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं। हमें संसार के अंधकार से निकल के ज्योति की तरफ आने की आवश्यकता है, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर। हम शैतान के अधिकार में तब तक रहेंगे जब तक हम परमेश्वर के अधिकार के नीचे नहीं आ जाएंगे। एक व्यक्ति पर एक टाइम पे एक ही व्यक्ति अधिकार कर सकता है, या तो परमेश्वर या शैतान। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि परमेश्वर और शैतान एक व्यक्ति पर एक टाइम पे दोनों अधिकार करें, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा। अगर हम मान लीजिए परमेश्वर को छोड़कर के संसार में जाते हैं तो शैतान के अधिकार में आ जाएंगे, अगर हम संसार को छोड़कर के परमेश्वर की ओर आते हैं तो शैतान का अधिकार हम पर से खत्म हो जाएगा और हम परमेश्वर के अधिकार में आ जाएंगे और परमेश्वर हमारे ऊपर अधिकार करने लगेगा। और परमेश्वर के अधिकार में ये वाली चीज आती है, विश्रांति के दिन, और शैतान के अधिकार में आते हैं दुख के दिन, तकलीफ के दिन, परेशानी के दिन, पीड़ा के दिन, विचलितता के दिन, बेचैनी के दिन, घबराहट के दिन, बेरोजगारी के दिन, गरीबी के दिन, भुखमरी के दिन, फाकाकशी के दिन, तनाव के दिन, लड़ाई के दिन, झगड़े के दिन, ये शैतान के अधिकार में आते हैं। और विश्रांति, चैन, विश्राम, शांति, आनंद, तसल्ली, तरक्की, उन्नति, ये परमेश्वर के अधिकार में आता है। चुनाव आपको और मुझे करना है। आह्वान तो दिया ही जाता रहेगा मेरे प्रिय, तब तक जब तक मनुष्य के पुत्र का दूसरा आगमन नहीं होता। रहती दुनिया तक ये सुसमाचार प्रचार किया जाएगा कि मन फिराओ और लौट आओ ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिसके कारण परमेश्वर के सन्मुख से तुम्हारे लिए विश्रांति के दिन रिलीज किए जाए। लिखा है कि तू उनकी आंखें खोले, और सुसमाचार के द्वारा लोगों की आंखें खुलेंगी कि वे अंधकार से ज्योति की ओर, यानी कि परमेश्वर की ओर, प्रभु यीशु की ओर, और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरें, कि उनके पाप क्षमा किए, उनके पापों की क्षमा, और उन लोगों के साथ जो परमेश्वर पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मीरास पाए। परमेश्वर के लोगों के लिए परमेश्वर ने मीरास रखी हुई है, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी, इस पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में भी एक बेहतरीन मीरास परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रख रखी है, अपने लोगों के लिए रख रखी है। और जब तक आप और मैं, हमें से कोई भी व्यक्ति, दुनिया का कोई भी व्यक्ति, जब तक सर्वशक्तिमान इज़राइल के कर्ता, सेनाओं के यहोवा की फौज में, उसकी सेना में, उसकी प्रजा में शामिल नहीं हो जाएगा, तब तक वो परमेश्वर की मीरास का भागीदार नहीं हो सकता। क्योंकि परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए इब्रानियों की पत्री के मुताबिक सबत का विश्राम तैयार कर रखा है। परमेश्वर के पास विश्राम है, परमेश्वर के पास तसल्ली है, सहायताएं हैं, परमेश्वर के पास बहुत कुछ है आपके लिए, बहुत कुछ है। लेकिन वो तब मिलेगा जब हम परमेश्वर के पास आ जाएंगे और हमारे पाप मिटा दिए जाएंगे। पवित्र आत्मा आप सब लोगों की मदद करे, सहायता करे। पवित्र आत्मा हम में से हर एक की सहायता करे कि हम हियाव बांध करके परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट जाएं और उससे अपने पापों की माफी मांगे, क्षमा मांगे, प्रायश्चित करें, पश्चाताप करें, गिड़गिड़ाएं, बिलके, रोएं, और परमेश्वर दया करके
हमें माफ कर दे, हमारे पाप मिटाए जाएं, ताकि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए विश्रांति के दिन आ जाएं, ताकि इस बेचैनी, घबराहट, डर, खौफ हमारे अंदर से निकल जाए, हम रिलीज किए जाएं, फ्री किए जाएं, क्योंकि लिखा ऐसा योहन्ना 8:36 में प्रभु यीशु मसीह के विषय में कि पुत्र जिसे स्वतंत्र करता है वो स्वतंत्र हो जाता है। मेरे प्रिय, यदि आज हम में से किसी को रोग से, बीमारी से, किसी प्रकार के वायरल वायरस स्वतंत्रता की आवश्यकता है, तो गो टू द सन ऑफ गॉड, प्रभु यीशु मसीह के पास, परमेश्वर के पुत्र के पास जाइए। ही विल सेट यू फ्री, टोटली ही विल सेट यू फ्री, कंप्लीटली वो आपको फ्रीडम देगा, आपके दिमाग से डर, बेखौफ को निकाल देगा और आपको जिंदा दिल बना देगा और वह अपनी विश्रांति में ले लेगा। भजन संहिता 32 अध्याय को आप जरूर पढ़िएगा। मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूँ, आप में से कोई भी व्यक्ति अपनी प्रार्थना के विषय में लिख करके भी दे सकता है और हमारे पास आप फोन कर सकते हैं। हमारी प्रेयर लाइन के दो नंबर मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहला नंबर है 9897179465 और दूसरा नंबर है 7302179465। ये क्राइस्ट मुक्ति द्वार फेलोशिप के प्रेयर लाइन नंबर हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को फ़ोन करें, 24 आवर्स ये नंबर खुले रहेंगे और आपकी प्रार्थनाओं के, हम आपके साथ प्रार्थनाएं करेंगे और हमारे प्रयास और प्रार्थना ये रहेंगे कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपको जल्द से जल्द दे। हम आपके साथ हैं प्रार्थनाओं में और मैं अब चाहता हूं कि आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में इस कलीसिया की मदद करें, सहायता करें। आप अपनी सेवकाइयों, अपनी प्रार्थनाओं में याद करके, अपने दान दे करके भी, फाइनेंशियली हेल्प करके भी, प्रार्थना करके भी, दूसरे लोगों को भी बता करके। और मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, शेयर करें अपने लोगों में, अपने प्रियजनों में। आज के संदेश को जरूर शेयर करें ताकि उन्हें भी आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए। प्रभु आप लोगों को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू and shalom on you.